और चलिए अब देशहित की शुरुआत करते हैं पांच बड़े सवालों से। देशहित में आज आम आदमी के उस एक अदद सपने की बात, जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, अपना घर। ग्रेटर नोएडा के शाबेरी की उस बिल्डिंग में लोगों ने अपना ही घर तो खरीदा था। खबर नहीं, दो साल पहले बनी अवैध बिल्डिंग गिर गई और सपनों के इस मलबे में तलाश जारी। अब तक 6 शव निकाले गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शाहबेरी में इमारत ध्वस्त हुई या योगी सरकार की विश्वसनीयता। आज मुस्लिम महिलाओं के हित की भी खबर आई है। निदा खान मामले में अदालत ने ट्रिपल तलाक को अवैध ठहराया और कहा कि उनके शौहर शिरान रजा खान के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा जारी रहेगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की नजीर देते हुए कहा कि इस देश के कानून में हिंदू और मुस्लिम महिला के आधार पर फर्क नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि समाज सुधार के लिए जागरूकता जरूरी है या अदालतों के आदेश। आज बाद 50 महीने बाद मोदी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव की। शुक्रवार को लोकसभा में इसी पर चर्चा होगी। संसद में सरकार की तरफ से कहा गया हो जाए बहस। इसे दूध का दूध और पानी का पानी से परिभाषित किया गया और विपक्ष इस नो कॉन्फिडेंस पर बहुत कॉन्फिडेंट है। दावा किया कि कौन कहता है हमारे पास नंबर्स नहीं है। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव से तय हो जाएगा मोदी के खिलाफ महागठबंधन में कितना दम है। दिल्ली में सरकार भले ही दूध का दूध पानी का पानी कर रही हो, लेकिन महाराष्ट्र में दूध ने लोगों को खून के आंसू पिला दिए। दूध उत्पादकों की हड़ताल से महाराष्ट्र के कई शहरों में परेशानी है। अब सवाल बहुत सीधा है, सरकार दूध उत्पादकों की समस्या का स्थायी हल निकालने में नाकाम थी। अमेरिकी उद्योगपति जेफ बेजोस धरती के सबसे अमीर इंसान है और 2030 से पहले वो अमीरी की पराकाष्ठा ही पार कर जाएंगे। दुनिया में बिलियनेयर्स तो बहुत हैं, जेफ बेजोस ट्रिलियनेयर बन जाएंगे। तो क्या वक्त आ गया है कि सामाजिक दायित्व को अमीरी की अनिवार्य योग्यता बना दी जाए।